नमस्कार, स्वागत है आपका जेएनयू न्यूज़ की एक और बेहद खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। तो अभी हम करेंगे रूट डायवर्जन की खबर बनाने। यहाँ पहुंचे थे नारी मंदिर तिराहे में, काफ़ी बवाल यहाँ पे हुआ है यातायात व्यवस्था को लेकर। उसकी रिपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, यदि इससे पहले पब्लिक हो गई होगी तो आपने देख ली होगी, नहीं तो इसके बाद आप ज़रूर देखेंगे कि नारी मंदिर तिराहे में काफ़ी बवाल यातायात को लेकर। प्रशासन में काफ़ी सवाल उठे हैं कि व्यवस्था पूर्ण तरीके से नहीं की गई है। बहरहाल अभी इस रिपोर्ट में आपको ये जानकारी दे दूँ कि बारिश यहाँ पर लगातार तेज़ गति से अभी होनी शुरू हो गई है। बता दूँ अभी तक मौसम सामान्य था, अभी हमने रिपोर्ट खबर पूरी बनाई, लेकिन अचानक से क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, इसके चलते अब करेंगे परिणाम दिखने शुरू हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस प्रकार से, रोपिंग का कार्य 10 बजे से शाम 4 बजे तक होना था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बाधित हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो रोपिंग का कार्य था वो किया जा रहा था, लेकिन अब बारिश के चलते कहीं ना कहीं वो बाधित हो गया है। ऐसे में ये सवाल कि अगर येलो अलर्ट जारी किया गया था तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि बारिश हो सकती है, यातायात में बाधा आई, लेकिन कहीं ना कहीं कार्य भी बाधित हो गया है। और ये भी कहना है लोगों का कि ये कार्य रात को किया जाना चाहिए, क्योंकि रात को कहीं ना कहीं व्यवस्था है वो सही तरीके से मैनेज होगी, क्योंकि दिन के समय काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं, घूमने भी जाते हैं। इससे पहले की रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, पर्यटक राजस्थान से घूमने आए हैं, उसके बाद अव्यवस्था इस प्रकार से फैली है, काफ़ी विरोध का दर्ज किया है। बहरहाल यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो गई है, लेकिन जो यातायात है अब खुल चुका है, कार्य बाधित हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं ये है कि यदि अलर्ट मौसम विभाग ने पहले कर दिया था तो क्यों आज का दिन चुना गया। लेकिन अगर यदि चुना गया है तो क्या ये कार्य शाम 4 बजे तक हो जाएगा या नहीं, क्योंकि तमाम जो अब कर्मी हैं वो अब कहीं ना कहीं छत के लिए खड़े हो गए हैं, कहीं कोई दुकान में खड़ा हो गया है, कोई टीन शेड में खड़ा हो गया, कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो चुका है। जो दो कर्मी थे वो ऊपर तैनात थे, जो कहने गए पेड़ काट रहे थे, उन मजदूरों की जानकारी नहीं है कि वो अब नीचे आ रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो कर्मी थे, दो मजदूर थे, वो पेड़ जो लोपिंग कर रहे थे, अब वो भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे में कहने गए खतरा इन लोगों की जान को भी है कि यदि बारिश ऐसी स्थिति बनती है तो पेड़ फिसल सकता है, स्लिप हो सकता है। ऐसे में क्या आपको लगता है, यदि विभाग ने अलर्ट कर दिया था, एक तो व्यवस्थाओं को लेकर लोग काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं, व्यवस्था पूर्ण तरीके से नहीं थी, दूसरा अलर्ट के बाद भी रोपिंग का कार्य वो किया गया और अब कहने की बारिश हो गई है तो कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो गया है, ऐसे में क्या लगता है शाम 4 बजे तक ये संपन्न हो पाएगा या नहीं, या क्या कल भी हल्द्वानी का ये रूट है वो डाइवर्ट रहेगा, क्योंकि आज कार्य संपन्न होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि पुलिसकर्मियों का कहना है कि लोपिंग का कार्य हो जाएगा लेकिन जड़ है तो काटने में समय लगेगा, ऐसे में क्या कल भी यहाँ जो रूट है डाइवर्ट किए जाएंगे या कल भी ऐसी तस्वीरें यहाँ से देखने को मिलेगी। आपको इस पूरे मुद्दे में क्या लगता है कि प्रशासन को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, चाहे व्यवस्था के लिहाज से हो चाहे मौसम के लिहाज से, जब अलर्ट जारी किया गया था तो इस प्रकार का कार्य संपन्न किया जाना चाहिए था या नहीं, क्योंकि नारीमन तिराहा काफ़ी व्यस्त तिराहा है। यहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों को आने वाले जो वाहन है हल्द्वानी में प्रवेश करते हैं, इसके अतिरिक्त हल्द्वानी से जाने वाले वाहन भी यहीं से पर्वतीय क्षेत्रों को जाते हैं, इसमें काफ़ी असुविधा लोगों को हो रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इसी के साथ ये कार्य है अब यहाँ पर रुक चुका है, देखने वाली बात होगी कब ये कार्य स्टार्ट होगा, कैसे होगा और क्या कल भी इसी प्रकार से डाइवर्जन इस रूट में रहने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी जे न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।